देखो क्वेश्चन क्या था, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। देखो देखो क्वेश्चन में क्या बोला था मैंने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, जिसके पास क्वेश्चन नहीं था वो नोट कर सकता है। देखो दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई। एक्स में कितना था, 15,000 था, वाई में है आपका अमाउंट 11,000। फिर आपके सर्विस डिपार्टमेंट थे, सर्विस डिपार्टमेंट में देखो तीन थे, एक टाइम कीपिंग, एक स्टोर्स और एक मेंटेनेंस। टाइम कीपिंग में देखो कितना था अमाउंट, 8,000। स्टोर्स में था मेरे ख्याल से 10 और मेंटेनेंस में था 6,000। ये था 6,000। क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो एम्प्लॉइज कितने हैं, एक्स वाई, टाइम में, स्टोर्स में और मेंटेनेंस में। एम्प्लॉइज कितने हैं देखो, एक्स में थे 800, वाई में थे 600, टाइम में कितने थे 320, स्टोर्स में 400 और मेंटेनेंस में 200। ये एम्प्लॉयज थे। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, संख्या कर्मचारियों की। फिर स्टोर्स मांग संख्या, स्टोर्स रिक्विजिशन नंबर, ये स्टोर्स मांग संख्या लिखा है। ये कितना था, 480, 400 और ये 120। फिर देखो क्या दिया है, मशीन आवर्स, ये दिया है 30,000, यहाँ पे दिया है ये 20,000, है ना। ये दो ब्लैंक था, इसमें ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है। अब देखो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ इसका। देखो कैसे बनाओगे एग्जाम में, इसको समझो। अब स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना, पर्टिकुलर, समझ में आ रहा है सबको? एक टोटल का कॉलम बनाना, ठीक। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाओगे और एक है ये सर्विस। प्रोडक्शन में आपके दो डिपार्टमेंट हैं और सर्विस में मेरे ख्याल से हाँ, सर्विस में आपके क्वेश्चन में देखो तीन डिपार्टमेंट दिए हैं। प्रोडक्शन में देखो एक्स वाई और सर्विस में टाइम का टी लिख रही हूँ, स्टोर्स का एस और मेंटेनेंस का एम। अब इधर देखो, कल मैं ना कुछ आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही थी जो आप लोग समझ नहीं पा रहे थे। ये देखो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी क्वेश्चन में बोले इसका मतलब ये होता है कि हम सर्विस डिपार्टमेंट मतलब जो सेवा विभाग है ना, उसका अमाउंट को हम कहाँ पर देंगे, प्रोडक्शन में मतलब उत्पादन विभाग में। देखो ये क्वेश्चन में बोला है कि आपको अवरोह विभागीय अविभाजन पद्धति से द्वितीयक वितरण संक्षेप तैयार कीजिए। मतलब देखो द्वितीय वितरण संक्षेप मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, द्वितीय वितरण है ना, सेकेंडरी को द्वितीय वितरण। और कौन से मेथड से करना है आपको, अवरोह विभागीय।
मतलब डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल मेथड से करना है। अब यहां पे देखो, जैसे मैंने बोला कि सेकेंड माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो गजाला। अब इधर देखो, मैंने बोला कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, हम सेवा विभाग को प्रोडक्शन में देंगे, इट मीन सर्विस को देंगे, यानी सर्विस में टी का अमाउंट देंगे, एस का देंगे और एम का देंगे। अब इधर देखो, ये पहले टाइम का है, फिर स्टोर्स का, और ये मेंटेनेंस का। तो पहले किसका लेंगे वो कैसे डिसाइड होगा, तो इसमें क्या देखना, ये जिसका पूरा कॉलम भरा होगा, ठीक है। सपोज जैसे ये स्टोर्स का दिया है, तो स्टोर्स में देखो स्टोर्स तो खाली ही रहेगा, ये कॉमन याद रखना, जिसका दिया है वो तो ब्लैंक ही रहेगा, ठीक। और एक टाइम को भी ब्लैंक कर दिया, इट मीन्स हमको स्टोर से पहले किसको पे करना है, टाइम को। आ रहा है समझ में, वाई में है अपना 11,000, टी में है 8, इसमें 10 और इसमें रहेगा 6,000। देखो सबसे पहले अपॉइंटमेंट करेंगे किसका, टाइम का। ये रहा टाइम का, इसका रेशियो क्या है, देखो 8, 6, 4, 2, टाइम को दे रहे हैं इसलिए टाइम का नहीं लेंगे, ठीक है। तो 800, 600, 400 और 200 टोटल करो कितना होगा, ये 8:6:4:2। अगर इसको शॉर्टकट में करूंगी तो 2:4, मतलब ये 4:3:2:1 आएगा। ये देखो ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयज पे देंगे, टाइम का कितना यस है, मैम। ये 8,000, ये 8,000 यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक। चलो अब इसका रेशियो निकालो, 8,000 बोल रहे हैं, सॉरी 8,000 को, यहाँ देखो मैं नीचे सॉल्व करूँ, है ना, को डिवाइड करो, इसका टोटल कितना हुआ है, 4, 3, 7 और 2, 9 और 1, 10, कितना यहाँ 800। इसका रेशियो कितना है, 4, ये तो 800 × 4 करना, फिर 800 × 3, फिर 800 × 2 और 800 × 1, ये 4 इधर पे आएगा, कितना ये हो जाएगा 3200, ये हो जाएगा 2400, फिर ये हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा 800। किसी को डाउट है इस अमाउंट को कैलकुलेट करने में, नो मैम। चलो माइनस करो कितना आ रहा है, देखो ये ऐसे टोटल करो, यहां सिर्फ सर्विस का ही टोटल करना है इसमें, इस मेथड में। मैम स्टोर्स का 11,600 आ रहा है और स्टोर्स का, मेंटेनेंस का 6,800। अच्छा इसका 11,600 और इसका 6,800, और ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, ठीक। अब किसका करेंगे, टाइम के बाद स्टोर्स का करेंगे, तो अपॉर्शनमेंट ऑफ स्टोर्स का, देखो स्टोर्स का ही दिया है कितना, 48, 40 और 12, 48, 40 और 12। इसको अगर हम शॉर्ट करेंगे तो कैसे करोगे, 4 से कर सकते हो, 4, 3, 4, 10 और 4, 12, 12:10:3 टोटल करो, ये हो जाएगा 25 25 है इसका टोटल। अमाउंट कितना है देखो स्टोर्स का, 11,600, तो 11,600 को डिवाइड करो 25 से, बताओ 11,600 को, 464 मैम। 4, 6, 4 एक सेकंड, 4, 6, 4 बोल रहे हो, फोर सिक्स फोर इंटू 12 करो, डबल
डबल फाइव सिक्स एट फाइव फाइव सिक्स एट ठीक है, ये देखो ये 464 है, ये 464 इंटू 12, फिर 464 इंटू 10 और 464 इंटू ये 3, ये देखो ये 120 कहाँ देना है, ये मेंटेनेंस, ये तो यहाँ पे हो जाएगा 5568, यहाँ पे आ जाएगा 464 इंटू 10 4640, 464 इंटू 3 करोगे तो आएगा 1392, और ये पूरा माइनस हो गया 11600। फिर से ये देखो ये ब्लैंक था, ये ऑलरेडी ब्लैंक हो गया, इसका टोटल करोगे तो आएगा 8192, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट ये देखो, टाइम कीपिंग हो गया, स्टोर्स हो गया, अब किसका करेंगे, मेंटेनेंस बच गया, अब मेंटेनेंस करेंगे, और देखो जब अपन मेंटेनेंस को दे रहे हैं ये, तो अब हमारे पास कौन कौन बचा है, एक एक्स ही बचा है और एक वाई। तो यहाँ पे देखो ऐसे आप लॉजिक लगा सकते हो यहाँ पे कि देखो जब हमको मेंटेनेंस का करना है, इधर आप इस सीक्वेंस पे चलना ना, देखो जिसका पूरा कंप्लीट होगा और जिसमें दो गैप होगा, तो आप उन दोनों में हमेशा कंपेयर कर सकते हैं। जब भी आपको ना एग्जाम में डाउट हो कि एम्प्लॉयज वाला किसमें डालें, मेंटेनेंस में डालें कि टाइम में डालें, किसमें भी, तो देखना एक का तो नाम हमेशा दिया रहेगा, जैसे स्टोर्स है तो ये स्टोर्स में जाएगा, देखो ये एग्जाम में हमेशा दिया रहेगा। अब देखो बच्चा किसका, टाइम का ना और मेंटेनेंस का, तो आप हमेशा उस पर ध्यान देना कि टाइम जो मेंटेनेंस वो किसमें लगती है, मशीन में लगती है, और एम्प्लॉयज किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग। अब पहले किसको देना है, तो देखो जिसका सब कुछ दिया होगा अमाउंट, एक भी गैप नहीं होगा, वो पहले जाएगा। फिर देखना जिसमें दो गैप होगा वो हमेशा सेकंड में जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। अब देखो जब अपन मेंटेनेंस का देंगे 8192, तो देखो उसमें तीनों ब्लैंक दिया है ना, तो मेंटेनेंस को ये माइनस करो 8192, और देखो इसका वो कितना दिया है 3:2, तो इसको 3:2 में दे देंगे। 8192 को डिवाइड करो 5 से, 3:2 होता है 5, तो 8192 को डिवाइड करो 5 से, कितना आ रहा है 1638.4 आ रहा है, इनटू 3 करो 4915.2 आ रहा है। Yes, 4915 ले लेती हूँ, और इसको ले लेती हूँ मैं 3277। अब इधर देखो ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, और ये भी ब्लैंक, तो इस मेथड को बोलते हैं अवरोह विभागीय, मतलब डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल करके देना है इसमें। अब देखो इसका टोटल करो लास्ट में, एक्स और वाई का टोटल करो, फाइनल एक टोटल करो एक्स और वाई का, डबल लाइन से क्रॉस करेंगे। मैम एक्स का आ रहा है 28,183, मैम वाई का 21317। अब इन दोनों को टोटल करो, अब इन दोनों को टोटल करो, सब करो, मैम 50,000 आ रहा है ना, पूरा 50,000, यानी आपका आंसर सही आया है। किसी को डाउट, अगर अभी भी डाउट है किसी को तो एक एक करके पूछ लो, पूरा स्क्रीन पे है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बताओ कहीं डाउट है किसी को, देखो देखो मैंने आपको
सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो था अपना टॉपिक, कितने मेथड बताए आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में? मैंने बताया कि दो मेथड है, एक डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल मतलब अवरोह वाला जो अभी किया, एक और एक बताया मैंने आप लोगों को इंटर डिपार्टमेंटल, ठीक है, अंतर विभागीय वाला ये। तो इसमें एक ही मेथड है, इसके में कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अब जो इंटर डिपार्टमेंट है इसमें मैंने बताया था तीन मेथड करेंगे, एक कौन सा था स्टेप लैडर वाला, ये हमने कर लिया था। अब सेकंड मैं आपको करवा रही हूँ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्लियर है? बुक है ना सबके पास, आपके बुक में देखो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का एक एग्जांपल होगा, 9000 6000 3000 करके देखो होगा। मैं यहाँ पे समरी लिख रही हूँ क्वेश्चन की जल्दी से, है ना। आप एग्जांपल 5 देखना आपने बुक का, यहाँ 6 भी होगा किसी के में। मेथड है देखो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 9000 6000 और यहाँ पे है 3000। और जो सर्विस विभाग है सेवा विभाग है उसमें दो हैं, एक आर और एक एन। आर में है 702 और एन में है 900। अब देखो क्वेश्चन में दिया है सेवा विभाग के व्ययों को निम्न प्रतिशत के आधार पर चार्ज किया जाता है, एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग परसेंटेज। हिंदी में देखो लिखा होगा, अब देखो ये आर का बना ये एन का, अब देखो एक्स Y, Z, R, N, 20% 40%। जिसके पास क्वेश्चन नहीं है, मैंने पूरा समरी लिख दिया है क्वेश्चन का, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये देखो इसके बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहां तो क्लियर कर दिया है कि R को इस बेस पे करना है और n को इस बेस पे करना है। किसी को डाउट है अब यहां तक? ठीक है, अब फिर से वही सेम कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर एक टोटल का, प्रोडक्शन का, और सर्विस का। प्रोडक्शन में देखो तीन है, एक्स वाई जेड, और सर्विस में दो हैं आर और एन। देखो मेथड का नाम क्या है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। रिपीट मतलब बार बार, रिपीट रिपीटेड मतलब क्या होगा, देखो मेथड को हिंदी में क्या लिखा है, पुनरावृत्त। देखो इसमें क्या होगा, टोटल ओवरहेड्स कितने हैं, देखो ये इन ये तीन और ये दो, टोटल करो कितना दिया, देखो 9000 6000 3000, ये 702 और ये 900, टोटल किया इसका? यस मैम, 1900 602। ठीक, अब देखो स्टार्ट करते हैं अपन। जब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोले, क्लियर है,
और अब आपके ऊपर है, आप आर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एन से भी स्टार्ट करते हैं, कर सकते हैं, आपके ऊपर है। बुक वाला क्या करता है, रिपीटेड वाले मेथड में हमेशा लास्ट वाले को पहले लेगा, याद रखना, रिपीटेड में जो लास्ट वाले को पहले लेता है या फिर जिसका अमाउंट ज्यादा होता है। तो इसमें देखो लास्ट वाला एन भी है और अमाउंट इसका ही ज्यादा है, तो पहले किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अपॉर्शनमेंट ऑफ एन। एन का अमाउंट कितना है देखो, 900, माइनस कर दो 900 को, और देखो ये एन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स में देना है 40, वाई में 20, जेड में भी 20 और आर में भी 20%। तो जल्दी से 900 का 40% निकालो, 360, फिर 20% होगा 180, 180 और ये भी हो जाएगा 180। ये आया समझ में? बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। बोलो जिज्ञासा बेटा कहाँ डाउट है? कहीं डाउट है? ये देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये देखो ये जो परसेंटेज है ना, ये 40%, ये जो क्वेश्चन में दिया है ये 900 है ना, तो ये 900 का x में देखो कितना देना है, 40%। हम किसका डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, n का, तो ये रहा n, n में x को कितना देना है 40%। ये देखो n में x को कितना देना है 40%, तो 900 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 360। सेम वही फिर n में y को देना है 20%, तो 900 का y में आ गया 20%, ये हो जाएगा 180। ये देखो तो ये n का जो अमाउंट था 900, ये x में दिया 360, y में दिया कितना 20%, 180। फिर से देखो z में कितना देने बोला है 20% n में, तो फिर 180 दिया, और फिर से देखो r में कितना देने बोला है 20%, तो ये r में 180 और n का तो ब्लैंक है क्योंकि अपन किसका डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, n का। अब हुआ क्लियर? यस मैम। और किसी को कोई डाउट है? अब नेक्स्ट देखो, अब टोटल करो जल्दी से। लास्ट वाले मेथड में क्या था, हम सिर्फ सर्विस का टोटल कर रहे थे और इसका लिखते जा रहे थे, लेकिन अब मेथड यहाँ कौन सा यूज कर रहे हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। रिपीट मतलब बार बार देना है, तो जब तक ये देखो इसका टोटल हो गया 9360, 6180, 3180, ये हो जाएगा 882 और ये हो गया अपना माइनस 900, मतलब ये जीरो हो जाएगा अपना। ये हो गया ब्लैंक। अब किसका देंगे, एन के बाद, एन का दे दिया, अब क्या बचा अपना आर, तो अब माइनस अपॉर्शनमेंट ऑफ आर। अब आर में देखो एक्स का कितना परसेंट देना है 20, तो आर कितना है टोटल 882, तो 882 का कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ, 882 का 20%, ये देखो आर का जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 882, तो x में कितना देना है 20%, तो निकालो 882 का 20%, ये माइनस 176 नहीं आएगा बेटा, 176 ही आएगा, इतना अमाउंट कैसे हो सकता है, 800 मैम 0.4 है। अच्छा यस मैम 0.4 है, मैं तो 176 ही लेंगे। हाँ फिर उसका ये देखो, अब फिर कितना देना है 40% करो, 40% 882 का, ठीक है, फिर ये 30% करो, ये आ जाएगा 265। अब देखो अब एक कॉन्सेप्ट समझो, मेथड कौन सा कर रहे हैं अपन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक। अब देखो ये परसेंटेज का टोटल करो बेटा, ये परसेंटेज का टोटल करो, 20 और 40 कितना हुआ,
साठ और तीन नब्बे और एक दस सौ. सेम वही चालीस और बीस साठ, दो अस्सी और दो बीस, मतलब ये हो गया 100%. मतलब अब देखो हम n को तो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, लेकिन अगर हम ये r के उसमें अगर n को नहीं करेंगे तो अमाउंट पूरा कहाँ हुआ डिस्ट्रीब्यूट, हुआ क्या पूरा? इस इन तीनों का टोटल करो 176353 और 265 को टोटल करो, 176353 और 265 को टोटल करो, कितना आ रहा है? 794 है ना. टोटल पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है ना 882. तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, हमको n को भी देना पड़ेगा. हम n माइनस कर चुके हैं लेकिन हम फिर भी n को अब देंगे. रिपीटेड मतलब बार बार डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो 10% निकालो, तो ये 10% के हिसाब से मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 88. ठीक है, 88. रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही यही था. ये देखो ये इसमें से गया, ये माइनस हो गया, अब यहाँ पे ये कितना आया 88. इनको प्लस करो जल्दी से, ये हो गया 9536, ये हो जाएगा 6533, ये हो जाएगा 3445. आया समझ में? अब फिर से n को देंगे, n का लेंगे जब तक कि ये दोनों अमाउंट जीरो नहीं हो जाती. अब देखो r में तो अब कुछ नहीं है, क्या बचा फिर से n. ये देखो n का फिर कितना परसेंट देंगे, 40 20 20 20. तो 88 का 40 निकालो कितना आएगा, कुछ 35 आएगा राउंड फिगर में, 35.2 आ रहा है. ये 17.2, ठीक है, ये 18 कर दो और इधर भी 18 कर देंगे. ठीक है, एक मतलब राउंड फिगर में कहीं ना कहीं तो कम आना है, नहीं आना है. ये हो गया, यहाँ पे कितना आएगा माइनस 88 हो गया. चलो टोटल करो जल्दी से, 9571 होगा, 6550, 3463 हो जाएगा. ये देखो ये इधर 18 आ गया, ये माइनस, ये तो n का किया था, अभी 18 कहाँ है r में. अब फिर से r का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब तक पूरा अमाउंट जीरो नहीं हो जाता. अपॉर्शनमेंट ऑफ r, एक बार n का किया, r का किया, n का किया, फिर से r का. तो अब फिर से माइनस करो 18, ठीक है. तो r को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 20% देना है x में. तो 18 का 20% कितना होगा देखो, 3.6 हो गया. ठीक, और 40% करूंगी तो 8 हो जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन इधर हम 7 करेंगे और इधर हम 2. देखो टाइम लेफ्ट होने वाला है, जल्दी करो. सॉरी गलत जगह लिख दिया ना मैंने अमाउंट को. यस मैम, ये यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आपका देखना कैलकुलेट करेंगे ना 5 बचेगा और यहाँ पे 2. ठीक, तो इसका अगर आप टोटल करेंगे तो आएगा 9575, ये आ जाएगा 6557, ये हो जाएगा 3468 और ये हो जाएगा 2. अब फिर से 2 को करना अपॉर्शनमेंट ऑफ n, ये माइनस 2 जब आप करेंगे ना तो इसमें देखना आपका 1 आएगा और यहाँ पे सॉरी इसमें 1 बचेगा, इसमें 1.5 रुपए, सॉरी 0.5, इधर 0.5 और यहाँ आप कुछ भी नहीं दे